हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज मेरे है वो एक्वेरियम की साफ़ सफाई करेंगे, तो वही मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे वो साफ़ सफाई की थी। मैंने पिछले वीडियो में डाला था कि वो साफ़ कर रहे हैं, तो उसकी पूरी वीडियो जो फुल वीडियो है मैं वही आपको दिखाऊंगी कि कैसे उसमें साफ़ किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, कैसे क्या होता है, तो वही सब मैं दिखाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ और बताती हूँ कि कैसे, वो खुद बताएंगे कि कैसे कैसे इसमें क्या होता है। थोड़ा बहुत वो बताए हैं लेकिन उसके बाद जो भी है मैं अपना खुद से वॉइस दूंगी। तो वही सब है, मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे ये कर रहे हैं, एक्वेरियम से पानी निकाल चुके हैं और थोड़ा बहुत पानी है तो इसमें ये इसका स्टोन जो होता है पत्थर, तो वही वो निकाल के और इसमें हार्पिक, रेड वाला हार्पिक वही डाल के उसको साफ़ करेंगे। और ये देखिए कितना गंदा हो चुका है, ये बहुत दिन हो गया था साफ़ किए, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी तो इसीलिए। और सारी मछली को इसमें इस टब में डाले हुए हैं ढक के, क्योंकि पानी में, तो यही सब कर रहे थे। उसके बाद फिर मैं देखी, मैं दिखाई थी आपको, तो ये सब साफ़ करेंगे शीशा, ये सब बहुत मेहनत लगता है इसमें साफ़ करने में, क्योंकि और शीशे को साफ़ कर रहे हैं शैम्पू के, शैम्पू से, तो वही साफ़ करेंगे इसमें, क्योंकि पानी का जो दाग होता है ना जिद्दी दाग वही लग जाता है, तो वही सब वो छुड़ा रहे थे। और बाहर से भी करेंगे साफ़, तो यही सब साफ़ करेंगे। तब तक मैं देखिए कि क्या कर रहे हैं वो। तो पहले इसके इसका ये फ़िल्टर जो है ये सब निकाल के वो रख चुके थे, और अंदर की जो पानी है वो एक पाइप से निकाल रहे थे और एक पाइप से भर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा पानी इसमें था, ये बड़ा एक्वेरियम है तो इसमें ज़्यादा पानी था, तो वही बाहर की तरफ पाइप करके और इसको निकाल रहे थे। और आजकल तो सभी के घर में रखते हैं, ज़्यादातर तो लोग रखते ही हैं, तो उसकी साफ़ सफाई भी ज़रूरी है करना। और ये देखिए ये स्टोन भी साफ़ किया जा रहा है, तो यही से दो तीन आदमी तो लग ही जाते हैं इसमें साफ़ करने में। तो ये है आर्टिफिशियल फ्लावर या पौधे, ये सब जो होते हैं उसको भी साफ़ कर लेंगे, इसमें भी गंदी लग जम जाती है, काई लग जाती है। ये आप एक्वेरियम कितने साल से रखे हुए हैं? ये 6 साल से रखे हुए हैं। और इसको कितने दिन में साफ करना पड़ता है? महीना, 2 महीना पे इसको साफ करना पड़ता है। और इसमें क्या क्या किया जाता है? साफ, इसमें से पानी को आधा निकाल लिया जाता है, उसके बाद मछली को निकाल लिया जाता है, उसके बाद इसमें जो गिट्टी, फिल्टर, ऑक्सीजन पाइप, ये सबको बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद इसको शैम्पू से या सरफ से, सरफ से नहीं, शैम्पू से ही चारों तरफ से धोया जाता है। ओके, और अगर कहीं इसमें दाग लगा हुआ है तो उसको ब्लेड से आप रगड़ सकते हैं, रगड़ के साफ कर लीजिए, शीशा एकदम क्लीन लगे, क्लीन लगे, साफ लगे। उसके बाद जब सारा चीज हो जाए, प्रोसेस सेम रहेगा, फिर रखने के लिए भी सेम है, गिट्टी को अंदर डाल देना है। पहले पानी डालते हैं कि पहले गिट्टी? मार्बल गिट्टी डालते हैं, पानी हल्का डालेंगे ताकि शीशा पे कोई जोर ना पड़े। फिर पानी डालने के बाद गिट्टी को पूरा डाल देंगे, पेड़ है तो पेड़ को लगा देंगे, ऑक्सीजन पाइप है तो इसको लगा देंगे, फिल्टर है उसको लगा देंगे, उसके बाद उसमें मछली को डालेंगे, फिर पानी भर देंगे। तो मछली को डालने के बाद उसमें क्या किया जाता है जो मछली का पानी साफ रहे, ये सब? तो उसमें आप 50 से 100 ग्राम जितना बड़ा एक्वेरियम है उसके अनुसार से उसमें नमक डाला जाता है। कौन सा नमक? जो आप खाते हैं, जो घर में यूज करते हैं, वो नमक भी डाल सकते हैं, ऐसे इसका स्पेशली नमक आता है। अगर नहीं है तो घर वाला नमक भी 50 ग्राम 100 ग्राम आप डाल सकते हैं। एक पाइप से पानी आए अंदर और एक पाइप से गंदा पानी को हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें बहुत गंदगी जमा हुआ है। हाँ, वो किया जाता है। ये मैंने फिल्टर लगाया है जो ये बाहर साफ कर रहे थे, आप देखने देखा, ठीक है, उसको मैंने साइड में लगाया। मैं इसमें नमक डालूंगा जिससे ये खरापन रहे, समुद्री मछली में जो खरापन रहता है, जिसके कारण मछली रहती है खरा पानी, इसलिए मैं इसमें नमक की मात्रा डाल रहा हूँ। इस
इसका अलग से भी नमक आता है, इसका अलग से भी नमक आता है, जो संदूरी नमक आता है। तो ये कौन सा नमक? ये आप खाने वाला नमक भी डाल सकते हैं। ये एंटी ईच है, जो मछली में ईचिंग वगैरह प्रॉब्लम जो होता है, रूखापन जो आता है, जो उड़ता है पपरी उपरी, उसके लिए ये डाला जाता है। ब्लू कलर का होता है ये। और ये समुद्री पानी जो हल्का नीलापन दिखता है उसके लिए भी इसको यूज करते हैं। ये है एंटी क्लोरीन जो पानी को साफ रखता है, ये है एंटी क्लोरीन जो पानी को साफ करता है, ठीक है। पानी को ये जब भी हम लोग साफ करते हैं एक्वेरियम को, हाँ। तब ये एक बार रखा जाता है, 15 से 20 बूंद, ठीक है। जितना बड़ा एक्वेरियम उसके अनुसार से आप रख सकते हैं। अब वो कितना बार डालोगे? अब वो आप रेगुलर डाल सकते हैं, 10 दिन 15 दिन पे, जब भी कलर डिसकलर लगे, मतलब नीलापन अगर कम जाए तो आप उसको डाल सकते हैं। ये दो चीजें एकदम मस्ट है डालना। हाँ, ये दोनों चीजें मस्ट है डालना, ताकि मछली को कोई फंगस बैक्टीरिया, ठीक है, वगैरह ना लगे, जिससे मछली सही रहे। ये है हमारी एक्वेरियम, ये शार्क है, ये है शार्क, ये सबसे पुराना मछली हमारे एक्वेरियम का, सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ी मछली। किधर गया? यहाँ अभी कई सारी मछलियां जो है वो मर गई हैं इस वजह से। इसमें गोल्ड फिश है, कार्प है, रेड कार्प है, ये सब मछली है, वैरायटी है इसमें। ये सब है गोल्ड फिश है और ये और था। ये मछली हो गया, पूरा पानी को भर देंगे जिससे मछली को तैरने में आसानी होगी, घूमने में आसानी होगी। चला दीजिए तो पानी को हम भर देंगे ताकि मछली को घूमने में आसानी हो। पूरा कितना तक आएगा पानी? भरा जाएगा पूरा पानी, ये इस लेवल तक हम लाएंगे, इस लेवल तक लाएंगे। अब तो इसमें कुछ नहीं डालना है? नहीं, अब इसमें कुछ नहीं डालेगा, सिर्फ इसका दाना बस। वो दाना भी सुबह में मिल चुका है, इसीलिए अभी नहीं मिलेगा। दिन भर में आप दो बार दाना दे सकते हैं जो के हिसाब से, नहीं तो एक बार भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे वो मछली डाल चुके थे और ये सब ऊपर का जो है वो साफ़ करके सब लगा देंगे इसमें, लाइट ये सब इसका चेक कर लेंगे कि ठीक है कि नहीं, तो वही सब साफ़ उफ करके वो लगा देंगे। तो इसी तरह से वो साफ़ करते हैं। काफ़ी दिनों के बाद मेरे यहाँ ये एक्वेरियम साफ़ हो रहा, लगभग 6-7 महीने हो चुके थे और बहुत सारी मछली जो है वो मर गई थी मेरे एक्वेरियम की, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मछली थी, बहुत सारी। ये बताए हैं आपको जैसे कि लगभग 5-6 साल हो चुके हैं इस एक्वेरियम को रखे हुए, तो यहाँ अपना वो खुद ही साफ़ सफाई करते हैं, हम लोग उसे नहीं होता। हाँ, साथ में हम लोग हेल्प कर देते हैं, लेकिन वो खुद ही साफ़ सफाई करते हैं। तो यही देखिए वो सब करेंगे और उनको वो साफ करेंगे, फिर उसके बाद मछली के का जो दाना खाना होता है वो डाल देंगे। और अभी तो है, अभी सर्दी का मौसम आ ही चुका है, तो उसमें हीटर भी लगेगा, क्योंकि मछली का जो पानी है एकदम ठंडा ना रहे, वो गर्म हो जाए, इसके लिए हीटर भी लगेगा, तो वो लगाएंगे। तो इसी तरह से साफ़ सफाई हुई। तो देखिए
कॉलिंग से चारों तरफ से शीशा को हम लोग साफ कर देते हैं ताकि और चमक आ जाए। देखिए कितनी चमक आ गया है, पता चलेगा आप लोगों को। लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अगर अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।